अक्टूबर का महीना इंडियन कार मार्केट के लिए फेस्टिव सीजन रहा है, इस वजह से गाड़ियों की सेल्स में काफ़ी उछाल आया है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 सेलिंग्स कार के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 10वें नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, जिसकी 12,851 यूनिट सेल हुई है पूरे भारत में। ये सेल्स फिगर स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों का ही है। अचानक से स्कॉर्पियो की सेल्स में उछाल आया है, जिससे टॉप 10 की लिस्ट में आ गई है। स्कॉर्पियो का एक्सोरूम प्राइस 13 लाख से शुरुआत होकर 24 लाख रुपए तक जाती है। अब 9th पोजीशन की बात करें तो मारुति की अर्टिगा है, जिसकी 13,234 यूनिट सेल हुई है। ऑल ओवर इंडिया अर्टिगा एक लौती एमपीवी है जो टॉप 10 की लिस्ट में रहती है। अर्टिगा की एक शोरूम कीमत 8,64,000 से शुरुआत होकर 13 लाख रुपए तक जाती है। इसके बाद 8वें नंबर पर बात करें तो हुंडई की क्रेटा है, जिसकी 13,456 यूनिट सेल हुई है। क्रेटा का फेसलिफ्ट भी जल्दी आने वाला है। क्रेटा का एक शोरूम प्राइस 10,87,000 से स्टार्ट होकर 19,20,000 रुपए तक जाता है। आगे अब 7th पोजीशन पर देखें तो मारुति सुजुकी की इकलौती सेडान डिजायर है। इस कार की 13,921 यूनिट सेल हुई है पूरे भारत में। डिजायर इकलौती सेडान है जो टॉप 10 की लिस्ट में है, अपनी जगह हमेशा बनाए रहती है। डिजायर का एक शोरूम प्राइस 6,51,000 से शुरू होकर 9,29,000 रुपए तक जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट के हिसाब से प्राइस वेरी करते हैं। नेक्स्ट टाटा की माइक्रो एसयूवी पंच है, इसकी पूरे भारत में 14,316 यूनिट सेल हुई है। अभी टाटा पंच ईवी की टेस्टिंग चल रही है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही लॉन्च हो जाए। पंच का एक शोरूम प्राइस 6 लाख से स्टार्ट होकर 10 लाख रुपए तक जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट के हिसाब से। 5वें नंबर पर देखें तो मारुति की वैगन आर है, जिसकी 14,862 यूनिट सेल हुई है। इस महीने इसकी सेल्स में डाउनफॉल आया है, वरना यह दूसरे और तीसरे नंबर पे रहती है हमेशा। इसका एक शोरूम प्राइस 5,54,000 से स्टार्ट होकर 7,42,000 रुपए तक जाता है। 4th पोजीशन की बात करें तो मारुति सुजुकी की ब्रेजा है, जिसकी 15,272 यूनिट सेल हुई है। इसका एक शोरूम प्राइस 8,29,000 रुपए से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक रहता है। तीसरे नंबर पर टाटा की नेक्सॉन है। नेक्सॉन की इस महीने 15,785 यूनिट सेल हुई है। इसका एक शोरूम प्राइस 8,10,000 से शुरू होकर 15,50,000 रुपए तक रहता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मारुति की स्विफ्ट है। इस कार की पूरे भारत में 17,429 यूनिट सेल हुई है। इसका एक शोरूम प्राइस 5,99,000 रुपए से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक जाता है। अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से प्राइस वेरी करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन पर आने वाली इस महीने कार की, तो मारुति सुजुकी की बलेनो है। इसकी पूरे भारत में 19,571 यूनिट सेल हुई है। इसका एक शोरूम प्राइस 6,61,000 से शुरू होकर 9,98,000 रुपए तक जाता है। ये थी इस महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।